जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के द्वारा यहाँ पर टेंटेटिव जो कैलेंडर है 2023-24 का जारी कर दिया गया। कौन से एग्जाम कब होंगे, कब नोटिफिकेशन अपडेट किया जाएगा, कब उसका क्लोजिंग डेट क्या होगा और उसका एग्जाम कब तक हो जाएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन शॉर्टली रूप से मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। शॉर्टली रूप से अब अपने इन्फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और जानेंगे। सबसे पहले नंबर की बात करें तो जो कॉन्स्टेबल है GD इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF NIA और SSF एंड राइफलमैन GD हो गया इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2022 का। CV मतलब हो गया कंप्यूटर बेस एग्जाम, में बार बार आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, बस बताऊंगा कि टियर फर्स्ट होना है, टियर सेकंड होना है, ये चीज होगी, क्योंकि हमें शॉर्टली रूप से इन्फॉर्मेशन जानना है, कोई उतना है नहीं, ठीक है। अब देखिए, इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका था 27 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022, अब इसके फॉर्म भरने का डेट क्लोज हो चुका है। इसका अब एग्जाम होना है तो January और February 2023 में इसका एग्जाम SSC के द्वारा करवा दिया जाएगा। दूसरे नंबर के एग्जाम की बात करें तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10th+2 का एग्जाम, देखिए टियर फर्स्ट का होना है तो 6 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, 5 जनवरी 2023 तक इसका लास्ट डेट। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा अभी तक तो आप भर लीजिएगा, लास्ट में थोड़ा सा सर्वर का इश्यू रहता है, ठीक है। अब March 2023 में इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। थर्ड नंबर की बात करें तो जैसे कि यहां पर लिखा गया है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल हो गया स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2022 हो गया। टियर फर्स्ट का एग्जाम होना है 17 जनवरी 2023, इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 17 फरवरी 2023 तक लास्ट डेट होगा, April 2023 में एग्जाम SSC के द्वारा करवा दिया जाएगा। उसके बाद की बात करें तो फोर्थ नंबर की बात करें तो सिलेक्शन पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन फेस XI 2023 पेपर फर्स्ट होना है, इसमें नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा 24 फरवरी 2023 से लेकर 17 मार्च 2023 तक, और इसका एग्जाम कब तक हो जाएगा, मई से लेकर जून के बीच में 2023 में करवा दिया जाएगा। 5 नंबर की बात करें तो कंबाइंड ग्रेजुएट टेबल एग्जामिनेशन टियर फर्स्ट एग्जाम होना है, नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2023, और लास्ट डेट होगा नोटिफिकेशन क्लोजिंग का 1 मई 2023 तक, और जून और जुलाई में इसका 2023 पर एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर की बात करें तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10th+2 लेवल का जो एग्जामिनेशन है 2023 का टियर फर्स्ट एग्जाम होना है, 9 मई 2023 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा 2023 में, 8 जून 2023 इसका क्लोजिंग डेट होगा, और जुलाई और अगस्त 2023 पर एग्जाम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद की बात करें तो 7 नंबर का है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल हो गया स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBSE और CBN के बेस के अंतर्गत में जो भी होता है एग्जामिनेशन, टियर फर्स्ट का एग्जाम होना है, नोटिफिकेशन आपका शुरू हो जाएगा 14 जून 2023 से लेकर 14 जुलाई 2023 तक, ठीक, और अगस्त सितंबर 2023 में इसका एग्जाम भी SSC के द्वारा करवा दिया जाएगा। 8 नंबर की बात करें तो यहां पर है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2023 टियर फर्स्ट का एग्जाम होना है। अगर बात करें तो CB मतलब हो गया कंप्यूटर बेस एग्जाम, तो 20 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा, तब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, 13 अगस्त 2023 तक अक्टूबर 2023 पर आपका एग्जाम हो जाएगा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर की बात करें तो नोटिफिकेशन जो एग्जाम होना है तो जूनियर इंजीनियर हो गया सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटेटिव जो सर्वेइंग बेस के अंतर्गत पे और एंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेस जो भी होता है उसमें कॉन्ट्रैक्टर आता है, सेकंड एग्जामिनेशन एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं जूनियर इंजीनियर पे। एग्जामिनेशन 2023 का पेपर फर्स्ट का जो एग्जाम होना है तो उन पर सबसे पहले नोटिफिकेशन अपडेट किया जाएगा फेस फर्स्ट के लिए, 26 जुलाई से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, 16 अगस्त 2023 तक अक्टूबर 2023 में आपका क्या हो जाएगा एग्जाम करवा दिया जाएगा SSC के द्वारा। 10 नंबर की बात करते हैं, 10 नंबर का जो एग्जाम होना है यहाँ पर देखिए स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेड CND एग्जामिनेशन 2023 के लिए 2 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन अपडेट किया जाएगा 2023 में, 23 अगस्त क्लोज कर दिया जाएगा फॉर्म भरने का जो भी डेट होगा, अक्टूबर नवंबर 2023 पर आपका एग्जाम CB कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा। 11 नंबर की बात करें तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन जूनियर ट्रांसलेटर एंड इसके अंतर्गत पे सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट जो होना है तो नोटिफिकेशन अपडेट किया जाएगा 22 अगस्त के लिए, कब से किया जाएगा यहां पर जैसे कि लिखा गया 22 अगस्त 2023 से लेकर फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे 12 सितंबर 2023 तक, अक्टूबर नवंबर 2023 पर इसका एग्जाम SSC के द्वारा आप लोग के लिए करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर बात करें तो आगे है उसके बाद में यहां पर 12 नंबर का जो है
सेंट्रल सेक्रेटरीट बेस के अंतर्गत पर असिस्टेंट्स के लिए ग्रेड लिमिट डिपार्टमेंट के अंतर्गत लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटेटिव एग्जाम जो भी है इसके अंतर्गत 2014 से 2017 बेस जो भी है पेपर फर्स्ट होना है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा 1 सितंबर 2023 से लेकर 22 सितंबर 2023 तक। सो 1 सितंबर 2023 से लेकर 22 सितंबर 2023 तक, मतलब 2023 का है, दिसंबर और जनवरी 2023-24 में क्या हो जाएगा, दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें तो 13 नंबर का जो पोस्ट है 13वें नंबर का डबल एस ए यू डी सी ग्रेड इसके अंतर्गत में लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटेटिव एग्जाम 2018-19 जो है पेपर फर्स्ट होना है, तो इसका नोटिफिकेशन अपडेट किया जाएगा 8 सितंबर 2023 से लेकर 29 सितंबर 2023 तक, ठीक है। अगर बात करें तो दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के बेस में इसका एग्जाम भी एसएससी के द्वारा करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मैंने कहीं पर 2022 बोला है तो आप ध्यानपूर्वक यहां पर वीडियो पर देखिएगा, वो 2023 होगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों में तो 2022 है, ठीक है, अगर थोड़ा सा हैबिट वही है 2022 का तो थोड़ा सा मिस्टेक रहता है, ठीक, उस चीज़ को करेक्शन कीजिएगा। वैसे तो पूरी कोशिश की है कि हम मिस्टेक नहीं करेंगे। 14 नंबर का एग्जाम है ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड हो गया डिपार्टमेंटल बेस के अंतर्गत पर कम्पिटेटिव एग्जाम होना 2018-19 बेस, पेपर फर्स्ट होगा सीबी कंप्यूटर बेस एग्जाम, तो इसका नोटिफिकेशन अपडेट किया जाएगा आपका 15 सितंबर 2023 से लेकर 9 अक्टूबर 2023 तक, जनवरी फरवरी 2024 पर इसका एग्जाम एसएससी के द्वारा करवा दिया जाएगा। 15 नंबर की बात करें तो जेएसए हो गया एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जाम 2019-20 के अंतर्गत पेपर फर्स्ट जो होना है तो 22 सितंबर 2023 से लेकर इसका नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा 13 अक्टूबर 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और जनवरी फरवरी 2024 पर इसका एग्जाम एसएससी के द्वारा करवा दिया जाएगा, ठीक। अगर 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर का जो एग्जाम होना है सेंट्रल हो गया सेक्रेटरियल बेस के अंतर्गत पर असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जाम 2018-22 का जो बेस है पेपर फर्स्ट होना है, तो 29 सितंबर 2023 से फॉर्म भरना आप स्टार्ट करेंगे 20 अक्टूबर 2023 तक, जनवरी फरवरी 2024 पर इसका एग्जाम भी एसएससी के द्वारा करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे 17-17 नंबर का जो नोटिफिकेशन है जेएसए एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जाम 2021-22 है, तो पेपर फर्स्ट जो होना है यहां पर, तो 6 अक्टूबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा, तब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे 27 अक्टूबर 2023 तक, फरवरी मार्च पर आपका एग्जाम 2024 पर हो जाएगा। 18 नंबर की बात करें तो डबल एस ए यू डी सी ग्रेड हो गया लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जाम 2020-22 का बेस, पेपर फर्स्ट की बात करें तो 13 अक्टूबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन अपडेट किया जाएगा 2 नवंबर 2023 तक, मतलब 13 अक्टूबर से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे 2 नवंबर 2023 तक, फरवरी और मार्च 2024 पर एग्जाम हो जाएगा 2024 में। 19वें नंबर का है 19 नंबर की बात करें तो यहां पर एग्जाम हो गया ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटेटिव एग्जाम 2020-22 का पेपर फर्स्ट का जो एग्जाम होना है, तो 20 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा 9 नवंबर 2023 तक, कब 20 अक्टूबर 2023 से लेकर 9 नवंबर 2023 तक, और फरवरी और मार्च 2024 पर इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा, ठीक है। यह पोस्ट अपडेट किया गया आप लोगों के लिए 30 दिसंबर 2022 को, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन अपडेट करना है एसएससी बेस के अंतर्गत पे इंपोर्टेंट 19-19 एग्जामों के लिए। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, कब से कब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, कब उसका एग्जामिनेशन डेट होगा एटसेट्रा, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपके जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, तो एसएससी द्वारा क्या कर दिया जाता है कि एक शॉर्ट में कैलेंडर जारी कर दिया जाता है कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब उसका क्लोजिंग डेट होगा, कब फॉर्म भरना होगा एटसेट्रा, जो भी इन्फॉर्मेशन है शॉर्टली रूप से प्रोवाइड किया जाता है, वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आज का आपको पसंद आया होगा और शॉर्टली रूप से आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसी ध्यान रखना कि जहां पर अगर 2023 है तो बाय चांस मिस्टेक से अगर 2022 किया गया तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और उसको एटसेट्रा पर मत लीजिएगा। चलिए दोस्तों इन्फॉर्मेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।